Namaskar to my dear young friends. You are watching Tutorial AICS IP YouTube channel. In this video, we are going to discuss comprehensive notes on data types available in Open Office Base. It is made for Class 10th Information Technology 402 Skill Based course. So, in this video, we are going to cover the basic data types provided by Open Office Base. As we have already covered the topics database concepts the link is given over here i will give you link in description as well so from there you can read notes and you can watch the video as well i have uploaded videos in this series so watch the complete series and videos to learn the database concepts and practical part we will start from another video already i have uploaded two practical parts how to create table and how to insert data and one more in that DDL and DML commands in SQL mode. So next we will start query in next video. So in this video, let we understand which type of data you have to select and why you have to select that data. So students, basically, हम जब database में काम करते हैं, open office base में काम करते हैं, तो आपको ये समझना जरूरी है कि कौन कौन से data types आप कब use करेंगे और किस situation में हमें कौन सा data use करना चाहिए. और क्रिएट टेबल कमांड का जो क्वेश्चन आता है उसमें भी कभी कभी आपको डाउट रहेगा कि वहाँ पे इंटीजर है तो हम कितना साइज डालें ताकि इंटीजर में कौन सी साइज एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इंटीजर कॉमा आप करके ब्रैकेट करके नंबर थ्री डाल दे माए की तरह वो माए में अलाउड है कि अगर आपको दो डिजिट का नंबर चाहिए तो आप इंटीजर टू करके कर सकते हैं लेकिन ओपन ऑफिस बेज में उसका पूरा डेटा टाइप अलग है उसका नाम अलग है तो हमें वो लिखना पड़ेगा जो स्पेसिफिक आता है जैसे तीन डिजिट का नंबर आपको चाहिए तो टाइनी इंटीजर आपको यूज करना है हमने पिछले वीडियो में दिखाया था क्योंकि वो जनरली स्टोर करता है जीरो से टू लेंथ का कोई भी वेरिएबल तो ऐसे टाइप में आपको बेसिकली ये चीज़ देखनी पड़ेगी तो इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए तो वीडियो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखे मैं आपको पूरी जानकारी इसमें दे दूंगा सो लेट्स वी बिगिन सो लेट्स बिगिन डेटा टाइप्स इन ओपन ऑफिस बेस क्लास टेन थर्टी फोर जीरो इंट्रोडक्शन टू डेटा टाइप्स इन ओपन ऑफिस बेस ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द डेटा टाइप तो डेटा टाइप का मतलब ये होता है कि जब हम टेबल बनाते हैं डेटा के लिए उस टेबल में आप किस टाइप का डेटा यूज करेंगे किस कॉलम में कौन सी वैल्यू जाएगी तो उस वैल्यूज़ के लिए जो हम प्रीफर करेंगे उसी को डेटा टाइप कहा जाता है योर डेटाबेस टेबल्स कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज और डेटा तो उसमें हम डिफरेंट टाइप की वैल्यूज और या तो डेटा डालते हैं देर आर फाइव बेजिक टाइप्स ऑफ डेटा वी कैन इंसर्ट इन टू टेबल तो यहाँ ओपन ऑफिस बेस में आप बेसिकली नीचे वाले पांच प्रकार के डेटा टाइप्स यूज कर सकते हैं ये बेजिक है इसमें हर एक में सब कैटेगरी है वो हम डिटेल में देखने वाले हैं तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले देखें नंबर्स इट्स स्टोर्स न्यूमेरिक वैल्यूज हैविंग इंटीजर्स एंड फ्रैक्शनल नंबर्स तो आपको जब डेसिमल नंबर या तो फ्रैक्शन नंबर्स ऐसे नंबर चाहिए तो आप उसके लिए यूज़ करेंगे नंबर्स डेटा टाइप तो इसमें बेसिकली आप यूज़ कर सकते हैं जैसे कि मानो रोल नंबर है उसके बाद मानो अमाउंट है उसके बाद कहीं किसी का और सैलरी बेज होता है कहीं डिस्काउंट देना होता है तो ये सारी चीजें हम नंबर्स में ले सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट है टेक्स्ट टेक्स्ट डेटा टाइप जो यूज होता है कहीं आपको यूज करना है कैरेक्टर्स टेक्स्ट वैल्यू यूज करनी है तो उस टेक्स्ट वैल्यू के लिए हम यूज करेंगे टेक्स्ट डेटा टाइप तो यहाँ पे लिखा है इट होर्स द टेक्सुअल डेटा विद द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स डिजिट्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स तो आप इसमें नंबर्स और डिजिट्स और स्पेशल कैरेक्टर्स को मिला करके कुछ भी इनपुट ले सकते हैं तो ऐसा इनपुट आपको अगर देना है टेबल में और ऐसा डेटा आपको टेबल में रिकॉर्ड करना है तो आप उसके लिए यूज करेंगे टेक्स्ट थर्ड है डेट टाइम द डेट टाइम डेटा टाइप इज यूज टू सेव द डेट्स इन टू अ डेटा बेस फील्ड तो आपको जब डेट्स अपने टेबल में चाहिए तो आप यूज़ करेंगे डेट टाइम इसमें आप डेट्स जानते हैं जैसे कि डेट ऑफ बर्थ लिखना है डेट ऑफ एडमिशन लिखना है डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखना है या ऐसे किसी भी प्रकार के डेट्स हैं तो आप डेट टाइम डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं नंबर फोर्थ है बाइनरी बाइनरी टाइप स्टोर लार्ज टाइप ऑफ डेटा सच एज इमेजेस ऑडियो और वीडियो फाइल्स तो ये जो इमेजेस ऑडियो वीडियो ऐसी कोई फाइल आपके पास है और आपको जरूरत आन पड़ी ये जो दो टाइप के डेटा टाइप्स है लास्ट वाले फोर्थ एंड फिफ्थ कैटेगरी वो रेयर रेयरली यूज होते हैं उतने ज्यादा इसका यूज नहीं करते हम लोग हम लोग उसका यूज करते हैं कभी कभी तो कभी कभार इसका यूज हो जाता है इसलिए इसका यूज वेरी रेयर है तो आइए देखते हैं डिटेल में किस डेटा टाइप कैटेगरी में कितनी सब कैटेगरीज है तो सबसे पहले देखेंगे हम नंबर्स तो नंबर्स में देखिए सबसे पहले आप यहां देख पा रहे हैं सबसे पहले टॉप पे है बुलियन तो बुलियन किस लिए यूज करते हैं बुलियन इज अ डेटा टाइप विच कैन स्टोर यस नो टाइप वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ जीरो और वन इन बेज टेबल ओके सो बेज टेबल में अगर आपको यस yes, नो no, या तो जीरो वन या तो फॉल्स वैल्यू डालनी है तो उसके लिए हम यूज करेंगे बुलियन तो वहां पे आप बुलियन ले सकते हैं जहां पे आपको जीरो या तो वन स्टोर करना है यस या तो नो स्टोर करना है या तो ट्रू या तो फॉल्स स्टोर करना है तो कभी कभी टेबल में ऐसी वैल्यू आपको चाहिए तो आप ये यूज कर सकते हैं जैसे फीस पेड तो फीस पेड वाला स्टेटस है जो हम रेगुलरली अपडेट करेंगे तो उसमें अगर यस नो चाहिए या तो ट्रू फॉल्स चाहिए तो हम बुलियन का यूज कर सकते हैं सेकंड है टाइनी इंटीजर टी आई एन वाई आई एन टी तो ये डेटा टाइप है ये यूज़ होता है जीरो टू टू हंड्रेड फिफ्टी फाइव रेंज का नंबर लेने के लिए तो इसके बीच में अगर आपका इनपुट है तो आप ये वाला डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं उसके बाद है स्मॉल इंटीजर स्मॉल इंटीजर इज यूज टू स्टोर द नंबर रेंजिंग फ्रॉम माइनस थर्टी टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड सिक्सटी एट टू थर्टी टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड सिक्सटी सेवन तो ये कॉमन रेंज है इसी रेंज के बीच में अगर आपका इनपुट मैक्सिमम नंबर जाने वाला है या मिनिमम नंबर जाने वाला है तो आप ये डेटा टाइप यूज कर सकते हैं थर्ड है फोर्थ है इंटीजर इट इज यूज टू स्टोर द नंबर रेंजिंग फ्रॉम माइनस टू वन फोर सेवन फोर एट थ्री सिक्स फोर एट टू टू वन फोर सेवन फोर एट थ्री सिक्स फोर सेवन तो ये इसका एक रेंज है तो इतने बड़े रेंज तक आप अगर कोई नंबर लेना चाहते हैं तो आप इंटीजर यूज कर सकते हैं उसके बाद है बिग इंटीजर उससे भी बड़ा नंबर है यहाँ पे रेंज आपको मिल जाएगा इट इज यूज टू स्टोर द नंबर रेंजिंग फ्रॉम तो ये काफ़ी बड़ा नंबर है तो इतना बड़ा नंबर अगर आपको स्टोर करना है तो आप इसके लिए यूज़ करेंगे बिग इंटीजर न्यूमेरिक इट स्टोर्स द नंबर विथ मैक्सिमम प्रिसिजन ऑफ ई प्लस माइनस टू थर्टी वन तो यहाँ पे ये प्लस माइनस ये ब्रैकेट के ऐसे आएगा अंदर आएगा टू थर्टी वन उसका पावर है तो वहां तक की वैल्यू अगर आपको यूज़ करनी है तो आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं न्यूमेरिक और डेसिमल उसके बाद है इसमें जो है न्यूमेरिक में डेसिमल पॉइंट नहीं आएगा डेसिमल में आप न्यूमेरिक पॉइंट और डेसिमल पॉइंट ऐड कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक नंबर के के बाद के बाद डिजिट रियल फ्लोट और डबल ये तीनों ऑलमोस्ट सेम है लेकिन रियल में थोड़ी कम कैपेसिटी होगी फ्लोट थोड़ा बड़ा होगा और डबल उससे थोड़ा बड़ा है पर जो इसका स्टोर करने का फॉर्म है वो फॉर्मेट ऐसा ही है फ्रॉम टू पावर माइनस वन जीरो सेवन फोर टू टू माइनस टू माइनस फिफ्टी टू इन टू पावर वन जीरो टू थ्री तो ये इतना बड़ा नंबर स्टोर कर सकता है तो ये कैलकुलेशन करेंगे तो काफी बड़ा नंबर आएगा तो इसीलिए इसको ऐसे ही फॉर्म में यहाँ पे रहने दिया है मतलब अभी आप ये सोच सकते हैं कि आपको अगर मिलियंस ट्रिलियंस ऐसी कोई वैल्यू लेनी है उसके ऊपर से कोई कोई वैल्यू लेनी है तो आप इसका यूज कर सकते हैं आइए अब देखते हैं टेक्स्ट टेक्स्ट डेटा टाइप में बेसिकली सबसे पहला जो टाइप आता है वो है लॉन्ग वेयर केयर इट इज अ मेमो डेटा टाइप दैट अलाउज लॉन्ग टेक्स्ट इन टू अ फील्ड इट एक्सेप्टूटीएफ एट पैटर्न कैरेक्टर्स एंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ टैक्स इज टू फोर्टीन सेवनटी फोर एटी थ्री सिक्स फोर सेवन कैरेक्टर्स तो आप यहाँ समझ पा रहे हैं कि इतना लंबा आपका जो रेंज होगा उतनी लंबी टैक्सट ये स्टोर कर सकता है लॉन्ग वेर केयर तो बेसिकली हम इसे मैमो कहेंगे मैमो में आप बड़े बड़े पैराग्राफ लिख सकते हैं तो जो डिस्क्रिप्शन आता है जैसे यूट्यूब चैनल पर अगर आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो वहाँ पर फाइव थाउजेंड कैरेक्टर्स अलाउड होते हैं तो उससे भी बड़ा है ये तो आपको ऐसे डिस्क्रिप्शन लिखना है पूरा लॉन्ग तो आप इसमें स्टोर कर सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट है कैर इट अलाउज फिक्स लेंथ कैरेक्टर टेक्स्ट इंटू अ कॉलम तो आपको कोई फिक्स लेंथ कैरेक्टर लेना है कि जैसे पचास लीटर उसके बाद ट्वेंटी लेटर्स उसके बाद हंड्रेड कैरेक्टर्स तो ये फिक्स लेंथ हुई तो इतने फिक्स लेंथ का अगर आपको लेना है तो आप कैरेक्टर का यूज कर सकते हैं इट एक्सेप्ट्स यूटीएफ एट पैटर्न कैरेक्टर्स हैविंग सेवनटीन कैरेक्टर्स लेंथ बाय डिफॉल्ट बाई डिफॉल्ट अगर आप कुछ भी टाइप नहीं करेंगे कोई भी लेंथ तो ऑटोमेटिकली सेवनटीन कैरेक्टर्स लेता है ये बाई डिफॉल्ट इट पैड्स विथ ट्रेलिंग स्पेसिस फॉर शॉर्ट स्ट्रिंग ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये क्या करेगा जितना नाम आप डालेंगे उतना कॉलम एक बार बड़ा हो जाएगा फिर वो उतना ही रहेगा क्या होता है कि वेरकअर में हम ऐसा नहीं देख पाते हैं कैरेक्टर में मानो कि आपने टोटल स्टेन दिया है सत्रह और आप डालते हैं लंबा सबसे बड़ा नाम जो आपके कॉलम में है वो है टेन कैरेक्टर्स का तो कैर में क्या होगा केयर में वो सत्रह ही लेगा तो हर कॉलम में उतनी स्पेस वो अलॉट कर देगा आप सेवनटीन यूज करते हैं या नहीं करते उससे मतलब नहीं है तो आपने डाला कि सेवनटीन तो मैक्सिमम उसका फिक्स लेंथ हो गया सेवनटीन तो हर रो में वो सेवनटीन की वैल्यू ले लेगा वेयर में क्या होता है इट स्टोर्स टेक्स्ट अप टू स्पेसिफाइड लेंथ ऑफ कैरेक्टर्स इट डजेंट अलाउ एनी टाइप ऑफ पैडिंग तो मतलब इसमें पैडिंग नहीं होता मतलब कि आपने सेवनटीन यूज किया है बट आपके टेबल में मैक्सिमम जो नाम है किसी रो में वो है टेन कैरेक्टर्स का तो वो कितनी स्पेस ऑक्युपाई करेगा टेन कैरेक्टर्स ही ऑक्युपाई करेगा वो सभी को ट्वेल्व नहीं दे देगा जैसे आप किसी में ट्वेल्व यूज करते हैं किसी में फाइव यूज करते हैं किसी में थ्री लेटर्स यूज करते हैं तो उस पर्टिकुलर रो में वो उतनी ही स्पेस देगा जितनी हमने टैक्स डाली है तो यही इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है और ये एक डिफरेंस है केयर और वेयर केयर में अदरवाइज तो दोनों फिक्स लेंथ यूज करते हैं जितना हम टेबल क्रिएट करते टाइम इसको देंगे पर मेन चीज ये है कि कैरेक्टर वो पूरा ले लेगा वेयर केयर वो आपके डेटा के अकॉर्डिंग उतनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वेयर केयर इग्नोर केस इट लिटल बिट सिमिलर टू वेयर केयर विथ वन डिफरेंस दैट इट विल इग्नोर अ स्पेसिफिक केस लाइक कैपिटल और स्मॉल एज यू टाइप तो जैसे आप टाइप करते हैं तो ये डेटा स्टोर करने में आपका जो टाइपिंग केस है उसको इग्नोर करेगा आपने कैपिटल टाइप किया स्मॉल टाइप किया उससे कोई मतलब नहीं है तो आप उन उसको यूज करना चाहते हैं तो वेर कैर इग्नोर केस कर सकते हैं कहीं पे आपको केस उतना मायने नहीं रखता कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर तो उस टाइम में हम यूज करेंगे इग्नोर वेर वेरकेयर इग्नोर केस नेक्स्ट डेटा टाइप है बाइनरी जिसमें यहाँ पे

ऑलमोस्ट सेम है पर लॉन्ग वेयर बाइनरी जो है वो बड़ी फाइल को भी स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है नेक्स्ट इज डेट टाइम डेट टाइम जैसे ही हमने डिस्कस किया है आपको अगर इनमें से कोई भी डेट लेनी हो जैसे डेट ऑफ एडमिशन डेट ऑफ ज्वाइनिंग डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ इवेंट डेट ऑफ ट्रांजेक्शन विद अ स्पेसिफिक टाइम और विदाउट टाइम आपको टाइम के साथ या बिना टाइम के लेना है तो आप डेट टाइम टाइप के कैटेगरी में जाएंगे तो इसमें बेसिकली तीन टाइप है पहला डेट अगर आपको सिर्फ डेट ऐसे स्टोर करनी है जैसे आज का डेट अगर हम बात करें तो आज मानो 25 नवंबर है तो 25 नवंबर 20 ऐसे अगर आपको स्टोर करना है तो ये वाला आप यूज़ कर सकते हैं बट ये जो डेट है ये इस फॉर्मेट में स्टोर करता है इट स्टोर्स अ डेट इन कॉमन फॉर्मेट लाइक मंथ डे एंड ईयर दैट इज वन वन द डेट रेंजिस आर वन वन टू वन तो ये चार टाइम यहाँ पे नाइन है वहाँ तक स्टोर करेगा तो यहाँ फॉर्मेट क्या रहेगा पहले मंथ फिर डे फिर ईयर तो ऐसे स्टोर करता है ये यूएस फॉर्मेट में नेक्स्ट है टाइम अगर आपको सिर्फ टाइम चाहिए तो टाइम आवर मिनट सेकंड में यहाँ पे स्टोर हो जाएगा तो कहीं पे अगर आपको जैसे स्टार्ट टाइम एंड टाइम दिख दिखाना है अपने टेबल में या तो यूज करना है तो आप यूज़ करेंगे टाइम टाइप उसके बाद है टाइम स्टैम्प टाइम स्टैम्प जो है आपको डेट और टाइम दोनों एक साथ दिखाना है तो उसके लिए यूज होता है टाइम स्टैम्प स्टोर्स द वैल्यू विथ एंड डेट एंड टाइम टूगेदर इन द टेबल फील्ड तो डेट और टाइम को साथ में यहाँ पे दे देगा और लास्ट जो है वो है अदर डेटा टाइप्स अदर डेटा टाइप्स में आप देखते हैं काफी रेडली यूज होता है यू कैन स्टोर एनी सीरियल ऑब्जेक्ट्स ऑफ जावा लाइक कनेक्टर और स्पेसिफिक स्क्रिप्ट विथ थ्रू ऑब्जेक्ट तो आपने कोई स्पेसिफिक स्क्रिप्ट बनाई है जावा की उस उसमें जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसी ऑब्जेक्ट को आप अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो अदर डेटा टाइप्स यूज होता है इट इज मोस्टली यूज फॉर द कोडिंग पर्पज ओनली तो यहाँ पे मोस्टली आप देख पाएंगे कि जो कोडिंग के लिए यूज करते हैं टेबल्स को उसमें इस टाइप के डेटा टाइप यूज होते हैं अदरवाइज उसकी जरूरत बहुत ही रेयर होती है सो हियर वी कंक्लूड अवर वीडियो डेटा टाइप्स इन बेज क्लास टेन आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए शेयर करिए और आपके व्यूज़ जो है आपके ओपिनियन जो है आपकी फीडबैक आपके कमेंट्स हमें जरूर दीजिए तो हम उस कमेंट का रिप्लाई करेंगे आपके अगर कोई डाउट है क्वेरी है और अगर आप वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं कुछ हमें कहना चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं तो कमेंट करके अपना अभिप्राय जरूर दीजिए मिलते हैं किसी ऐसे ही अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए कीप वॉचिंग कीप लर्निंग Thank you very much for watching this video.